मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप सकलेजा की मौजूदगी में कलेक्टर को माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जी, जिला महामंत्री प्रेम जी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने हमारे देश में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। हमारी लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, अमित शाह जी ने नागरिक संशोधन संविधान संशोधन बिल जो दोनों सदनों से पास हुआ, बहुमत के साथ पास हुआ, और उसके राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर भी हो गए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी ने एक ऐसा बयान दिया है कि हम मध्य प्रदेश में इसको लागू नहीं करेंगे। ये वास्तव में घोर अन्याय है। उन हजारों लाखों नागरिकों का घोर अन्याय है जो बरसों से, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से, जो जातिता के नाम पर, धर्म के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिस प्रकार से उनको दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, धर्म परिवर्तन हो पा रहा था, उनकी माता और बहनें सुरक्षित नहीं थी, वो हिंदुस्तान में तो आज कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान के अलावा उनका कोई ठिकाना है क्या? हिंदुस्तान में आने के बाद में उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था। इसलिए संसद ने यह पहली बार तुष्टिकरण की नीति से ऊपर उठते हुए और भारत के संविधान को बगैर किसी धारा को छेड़ते हुए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और केवल उन लोगों को जो उत्पीड़ित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को न्याय मिल जाए और ऐसे लोग जो बरसों से भारत में रह रहे हैं उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान हो जाए और वो सम्मान का जीवन जी सकें, वो सम्मान के साथ में भारत में रह सकें। इसलिए ये बिल लागू किया गया और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी इसको जब हस्ताक्षर कर दिए तो इसमें कोई हमारा हिंदुस्तान में ये कानून है, महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद में प्रत्येक राज्य की यह बाध्यता है कि उसको लागू करे। लेकिन कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार जो तुष्टिकरण की नीति पर चलना चाहती है, जो जातिवाद के आधार पर बात करना चाहती है, उसने ये निर्णय किया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो हम इसके विरोध में आज हमने कलेक्टर करले का घेराव कर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल जी को, और हमने मांग की है राज्यपाल जी से कि आप मुख्यमंत्री जी को, उनकी सरकार को ये निर्देश दें कि वो मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू करे, लागू करे, लागू करे।